कूलाम्स लॉ। देखिए एक ये आवेश है Q, इसको मान लीजिए Q1, और एक ये आवेश है Q2। इनके बीच की दूरी अगर r मीटर है, इनके बीच की दूरी r मीटर है, तो जिस तरह से दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगा था, सेम उसी तरह इन दो आवेशों के बीच में भी एक आवेश वाला बल लगेगा। जिसकी खोज किसने किए थे भैया? कूलाम ने किया था। किसने किया था? कूलाम ने किया था। तो इसे हम लोग कूलाम बल या कूलाम फोर्स के नाम से जानते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कूलाम फोर्स या कूलाम बल के नाम से जानते हैं। ये बल होता है F बराबर 1/4 pi एप्साइलन 0 Q1 Q2 r² इसे एप्साइलन नॉट भी कह सकते हैं, एप्साइलन 0 भी कह सकते हैं। 1/4 pi एप्साइलन 0 Q1 Q2 r² ये फार्मूला सिद्ध करने का ना ही समय है और ना ही सिद्ध करने से कोई फायदा है, क्योंकि इंटरमीडिएट में ये सिद्ध करके दिखाया जाता है, सिद्ध करेंगे भी तो उतना ही आएगा। अब एक बात बताइए, अगर आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे, Q1 की मात्रा बढ़ाएंगे तो बल ज़्यादा लगेगा, यानी दोनों में से किसी आवेश को या दोनों आवेश को बढ़ाएंगे तो बल ज़्यादा लगेगा। यानी बड़े आवेश ज़्यादा बल लगाते हैं, छोटे आवेश कम बल लगाते हैं। दूसरा, अगर इनके बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो दोनों में उल्टा संबंध है, बल घट जाएगा। यानी करीब रखे आवेश ज़्यादा बल लगाते हैं, दूर रखे आवेश ज़्यादा बल नहीं लगा पाते हैं। 1/4 pi epsilon 0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको याद रखिएगा। 9×10^9 होगा, 9.82 g की वैल्यू है। अब इतना आपको पता होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 9×10^9 कितना होता है? 9। ये कांस्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जैसे हम आपसे एक सवाल दे देंगे और क्वेश्चन दे देंगे कि मान के चलिए ये एक आवेश है जो 10 कूलाम का है। किसका है? 10 कूलाम का है। और एक ये वाला बल है जो 5 कूलाम का है। कितने कूलाम का है भैया? 5 कूलाम का है। इनकी बीच की दूरी 2 मीटर है। कितने मीटर है? 2 मीटर है। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बताइए कितना होगा? इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, बल F बराबर 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 r² तो 1/4 pi की जगह 9×10^9 लिख देंगे, Q1 के जगह Q1 की वैल्यू, Q2 के जगह Q2 की, बटा r रख के r का स्क्वायर करके आंसर निकालेंगे। लो कितना आना चाहिए, देखिए तो 1/4 pi epsilon 0, 1/4 pi epsilon 0 की जगह पे 9×10^9 गुड़े Q1 कितना है? 10। Q2 कितना है? 5। आर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 2.5 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? 2.5 बार में कट जाएगा। कितना आ रहा है? 9×5=45। कितना आ रहा है? आ गया 3 मीटर की दूरी पे। ये 9 कूलाम है, ये 10 कूलाम है। आप बता दीजिए फटाफट, देखिए ध्यान से, 1/4 pi epsilon 0 की जगह 9×10^9, Q1 के जगह पे 10, Q2 के जगह पे 9, बटा r² 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 कट गया, यानी 9×10^10 कर दीजिए।